नमस्कार दोस्तों, आज ये बॉस प्रोजेक्ट आप सभी को नज़र आ रहा होगा कि एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट हमारे सामने है और इस प्रोजेक्ट में हम करके बताएंगे कि आपको यहाँ पर ये रोड है और यहाँ पर व्हीकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन व्हीकल्स से निकलने वाली धुआं यानी कि जो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, उसको कम करने के लिए सिस्टम हमने सेट किया है और इसको हम आपके सामने लाइव करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इस सिस्टम से प्रदूषण को कम कर सकते हैं। साथ में इसके अलावा ये मिट्टी है, चाहे वो लकड़ी का बुरादा है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी लगाकर इस सिस्टम को आप वहाँ से मिट्टी हो, चाहे लकड़ी के कण हो, चाहे धुआं हो, उसको भी आप एक ऐसे कंटेनर में रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर लगा हुआ है जिसकी सहायता से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं फैक्ट्री वगैरह से भी, या फिर आप रोड सेफ्टी पे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम रोड भी है और यहाँ पर व्हीकल्स खड़े हुए हैं। इस व्हीकल्स के ऊपर से आप क्या करें, इस सिस्टम को सेट कर देंगे तो आप वहाँ से प्रदूषण से बच सकते हैं। चलिए अभी हम इस सिस्टम के बारे में बताएंगे कि आज हम क्यों कर रहे हैं सिस्टम। आज हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारे 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। उस पर हम ये कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले करेंगे, हम इसमें एक सेंसर सिस्टम लगाया है। जैसे यहाँ पर ये रोड पे ये लाइट लगी होती है, जैसे हमने यहाँ पर एक कनेक्शन कर रखे हैं, आप सभी को नज़र आएगा। इस कनेक्शन पर जैसे यहाँ से अंधेरा हो जाएगा, जैसे आप देखते हैं कि शाम के टाइम होते ही रोड पर अपने आप लाइट ऑन हो जाती है, दैट्स वहाँ पर क्या होता है कि सेंसरेटिव सिस्टम होता है। सेंसर काम करते हैं, जैसे ही अंधेरा होता है तो लाइट ऑन हो जाती है। तो सबसे पहले हम करके बताएंगे कि हमारा ये सिस्टम पर सेंसर सिस्टम लागू है या नहीं है। चलिए कैमरे को इधर लिया भाई, और हम करके बताएंगे। अभी यहाँ पर देखिए सिस्टम पर कोई भी लाइट नहीं जुड़ रही है ना। तो सबसे पहले हम लाइट ऑन करेंगे क्योंकि यहाँ पर दिन में वीडियो शूटिंग हो रही है। तो वीडियो शूटिंग होने से हम क्या करें, यहाँ पर हमारा जो सेंसर है, ये सेंसर उजाड़े में है, इसलिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, लाइट ऑन नहीं हो रही है। चलिए मैं सेंसर के ऊपर यहाँ पर ये डिब्बी को रख देता हूँ, इस पर कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर कैमरा थोड़ा ऊपर किया जाए, यहाँ पर देखिए इस खाली डिब्बी है, एक हमारे पास में बॉक्स है। अभी इसको मैं ये सेंसर के ऊपर रख देता हूँ, और सेंसर के ऊपर रखने के बाद में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो पोल है इनके ऊपर लाइट ऑन हो चुकी है। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये लाइट चालू बंद चालू बंद, ये सेंसर सिस्टम है। यहाँ पर देखो ऑन हो चुकी है लाइट, यहाँ पर हटा लिया मैंने डिब्बा तो बंद हो गया। तो आप सभी को नज़र आ रहा होगा कि अब ये सिस्टम है पूरी तरीके से सेंसर डिपेंड हो गया कि आप जैसे ही इसके ऊपर हाथ लगाते हैं या फिर सेंसर के ऊपर जैसे ही अंधेरा होगा, जैसे डिब्बी से क्या ही है अंधेरा किया है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से लाइट ऑन हो चुकी है। ये सिस्टम है रोड के ऊपर लगा हुआ है, जो अंधेरा होता ही लाइट ऑन हो जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो सिस्टम लगा हुआ है कि किस तरीके से लकड़ी के कण हो, चाहे धुआं हो, चाहे मिट्टी के पार्टिकल्स हो, उसको किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर ये तीन कंटेनर लगे हुए हैं, यहाँ पर ये तीन कंटेनर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर एक कंटेनर ये रहा और दो ये रही साइड में। तो इन कंटेनर्स क्या होगा, और ये बगल में हमने लगा रखे हैं पैंप, ताकि बाहर से हम इनसे हम जो प्रदूषण है उस एयर को खींच सकें। और यहाँ पर जो ये फिल्टर लगा हुआ है, इससे क्या करेंगे हम, यहाँ से फिल्टर कर देगा एयर को। तो सबसे पहले ये कंटेनर लगाने के पीछे, ताकि इस कंटेनर में पहले जो धूल भरी है, हवा है, वो आ सके, फिर इससे कुछ कम इस पर आ सके, लोड ना पड़े, इसलिए हमने दोनों बगल में एक एक लगाए हुए हैं और मेन बीच में लगा रखा है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट छोटा है, बट इसको बड़ा प्रोजेक्ट भी बना सकेंगे, अभी आप देखेंगे यहाँ पर। चलिए, और अब इस प्रोजेक्ट के हम धुआं निकालेंगे। यहाँ पर जैसे ये कार रखी हुई है, यहाँ पर ये रोड बना हुआ है, इस पर कार रखी हुई है, इनसे जो धुआं निकलेगा सीधे इस कंटेनर में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमने एक सेंसर सिस्टम लगाया था। जैसे यहाँ से ये कार ऐसी निकलती है, तो निकलते ये सिस्टम अपने आप चालू हो जाएगा, अपने आप चालू हो जाएगा। अभी हम वो भी बताने वाले हैं अपने आप चालू कैसे होगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मोमबत्ती जलाएंगे और उसकी धुआं को इस इसमें गुजारेंगे, क्या इसमें होता है या नहीं होता है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मोमबत्ती जला लेते हैं, ताकि उससे धुआं जाएगा और इसमें आता है नहीं आता है कंटेनर में, उसको क्लीन करके दिखाएंगे। अभी हमने यहाँ पर मोमबत्ती को यहाँ पर जला लिया है। देखिए यहाँ पर ये मोमबत्ती की धुआं है और यहाँ पर अंदर जा रही है ना, अंदर जा रही है इसके अंदर, अभी इस कंटेनर के अंदर अंदर जा रही है। यहाँ पर देखिए अपने आप खींच रहा है। इस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा सा सिस्टम लगा देंगे, ताकि यहाँ पर एक बहुत, अभी यहाँ पर देखिए कंटेनर के ऊपर केवल एक मशीन लगा रखी है ना, आप यहाँ पर और भी मशीन लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी मशीनें लगा देंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर एक कंप्रेसर है, इस तरीके से आप बहुत सारी मशीन लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा खींचेगा, है ना। अभी यहाँ पर देखिए आप
यहाँ से मशीन के धुआँ हैं वो इसमें से देखिए अभी इसमें से ऊपर होके निकल रहे हैं। अभी इसको हम हटाने वाले हैं ना, यहाँ पर ये चालू है फैन, तो इसमें क्या है एयर घुट रही है। अभी चलिए इसको हटाएंगे। चल इसको सबसे पहले हम हटा के दिखाते हैं यहाँ पर क्या धुआँ बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से धुआँ निकला है, कितना धुआँ यहाँ पर निकल रहा है ना, ये बहुत सारा धुआँ है जो यहाँ पर निकल रहा है भाई, है ना। और यहाँ पर से ये धुआँ है, यहाँ पर से निकलता ये धुआँ जा रहा था, इस धुएँ को यहाँ पर निकाल करके यहाँ से जो पाइपलाइन के माध्यम से ये धुआँ है वो ऊपर जा रहा था। अभी यहाँ पर देखिए ये धुआँ इसमें जा रहा है ना, और इसमें आपको लग रहा है कि हमने कुछ रख रखा है, तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ भी यहाँ पर नहीं रखा, बिल्कुल खाली है, केवल इसका जो कचरा था। और यहाँ पर ये देखिए मोटर हमने जो लगाई थी वो यहाँ पर चल रही है, ताकि उसमें जो साफ़ एयर है वो तो बाहर इससे निकलती रहे और अंदर कचरा इसमें रह जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, इस बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर लगा सकते हैं। अभी हम जयपुर में गए थे, बगरू में एक दिलीप इंडस्ट्रीज़ को हम देख के आए थे, वहाँ पर इस तरीके के पाइपलाइन मोटे मोटे लगे हुए थे उस कंपनी के अंदर, और वो कंपनी लकड़ी की फैक्ट्री थी। तो वहाँ पर जहाँ भी लकड़ी कटाई होती थी वहाँ पर आप देखेंगे कि वह लकड़ी का बुरादा बाहर चला जाता था सीधे, और बाहर से ट्रॉली के अंदर वेस्टेज में जा रहा था। तो हमने एक ऐसा शानदार प्रोजेक्ट बनाया, यहाँ पर देखो पाइपलाइन लगा रखे हैं और इनसे बड़े बड़े कंटेनर में जा रहा है, और यहाँ पर ये रिजर्व हो जाएगा ताकि यहाँ से शुद्ध वायु बाहर निकल सके और यहाँ पर ये अंदर हो जाए। और इसमें से एक सिस्टम और सेट कर दे ताकि ट्रॉली जैसे किसी में भी यहाँ से कचरा जा सकता है, यदि आप मिट्टी जैसे या फिर लकड़ी का बुरादे में सेट करें इस सिस्टम को। अभी हमने क्या किया है, इसको रोड पर लिया है, यहाँ पर दोनों साइड रोड बनाया और बीच में सिस्टम को लगाया, ताकि इससे क्या होगा कि हम प्रदूषण पर हमारा फोकस है कि प्रदूषण को कम करने का सिस्टम यहाँ पर हम जनरेट करें। इस तरीके से प्रदूषण को कम किया जा सकता है यदि इस कंटेनर के चारों तरफ और बगल में भी यहाँ पर बहुत सारी मशीनें सेट कर दें इस फैन, तो ये सिस्टम चल सकता है, है ना। और इसमें सेंसिटिव सिस्टम भी रखा है हमने कि सेंसर भी इसमें काम करने वाले हैं, यानी कि लाइट ऑन का भी सेंसर लगा दिया है, और गाड़ी निकलेगी सड़क से निकलेगी तो तुरंत सेंसर ऑन हो जाएगा। इस तरीके का हमने यहाँ पर सिस्टम लगा दिया है। तो इस वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ समझ में आया होगा, यदि वीडियो में कुछ भी समझने को आया है, प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, और हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से 1,00,000 सब्सक्राइब जल्दी से कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोजेक्ट की वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।